आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके बचपन की यादों को ताजा करेगा। सबसे पहले स्कूल जाते हैं तब अल्फाबेट्स लिखना आप सबने सीखा ही होगा। उस वक्त हर किसी को एक एक अल्फाबेट्स लिखना सीखने के लिए वक्त लगता था और आज वही अल्फाबेट सभी को अच्छे से याद भी है, जिसके सहारे आज हम लिखते हैं और वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोलते हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन भी शब्दों की रचना तो है। हम लिखने में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये अल्फाबेट्स का इन्वेंशन हुआ कैसे? अल्फाबेट्स का इन्वेंशन हुआ तभी तो आज हम उनका इस्तेमाल से लिख और बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है अल्फाबेट्स नहीं थे तब कौन से शब्द इस्तेमाल होते थे और कैसे लिखते थे? इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो जानते हैं हमारी जिंदगी में अल्फाबेट्स और राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का ओरिजिन कैसे हुआ है। 4000 साल पहले अल्फाबेटिक राइटिंग क्यूनिफॉर्म में थी जो सुमेरियंस ने इन्वेंट की थी। फर्स्ट रियल सिटीज में सुमेर का एक लैंड था और इस सिटी ने ही सिटी स्टेट का फॉर्मेशन किया था। क्यूनिफॉर्म सुमेरियंस में अर्लिएस्ट राइटिंग सिस्टम थी। क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी जो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी। शेप्स और वेज यानी कील जैसे पॉइंटेड चीज का इस्तेमाल करते थे। लेकिन राइटिंग कैसे इन्वेंट हुआ उसके पीछे टेम्पल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आज के वक्त में टेम्पल्स में गोल्ड, पैसे, ग्रेन्स ऐसी चीजों का डोनेशन किया जाता है, उसी तरह पुराने वक्त में भी टेम्पल्स में ग्रेन्स का डोनेशन किया जाता था। उस वक्त टेम्पल्स में जो भी ग्रेन्स आते थे उसका रिकॉर्ड क्ले टेबल्स पे लिखा जाता था। रिकॉर्ड लिखने के लिए टेलीमार्क्स का इस्तेमाल होता था। स्टैटिस्टिक्स में जो टेलीमार्क्स होते हैं वैसे ही टेलीमार्क्स क्ले के टैबलेट पे भी किए जाते थे। स्टॉक में कितने गुड्स और ग्रेन्स है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए पिक्टोग्राफ्स और सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते थे। ये टोकन्स और सिम्बॉल्स भी क्ले के ही बने होते थे। हर एक दिन टेम्पल में कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, उस सब का रिकॉर्ड किसी तरह रखना ही था। इसीलिए तो वो ऐसे क्ले टैबलेट्स, शेप्स और टोकन्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम फाइल्स में रिकॉर्ड रखते हैं, उसी तरह ये क्ले टैबलेट्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता था ताकि टेम्पल के पुजारियों को पता चले कि गोडाउन में ग्रेन्स का स्टॉक कितना है। क्ले टैबलेट्स पे टेलीमार्क्स के साथ उस पे छोटा पिक्चर भी बनाया जाता था जैसे आप देख सकते हैं। क्ले टैबलेट पे ग्रेन्स का पिक्चर और फिर टेलीमार्क्स किए गए हैं ताकि उनको पता चले कि कौन सा टेलीमार्क किस चीज के लिए किया गया है। पर कभी कभी कुछ गुड्स के लिए सिंबल्स समझने में मुश्किल होती थी, इसीलिए फिर वो वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इसमें भी तकलीफ आने लगी, यानी लोग जो बोलते थे उसमें कुछ ही शब्दों का इस्तेमाल होता था जिस कारण लोगों को लैंग्वेज समझने में काफी मुश्किल होती थी। इसीलिए उसके बाद अल्फाबेट्स और फोनेटिक्स वर्ड का इन्वेंशन हुआ। लेकिन तभी टेक्स्ट वर्टिकली टॉप टू बॉटम लिखे जाते थे जिसे सिमेटिक फॉर्म ऑफ राइटिंग कहते हैं, जो इजिप्ट में 1800 और 1900 BC में डेवलप हुआ था। लेकिन बाद में 3000 BC में लिखने का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल रो में लिखा जाता था, पर साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए फिर उसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। पहले लेटर ए ऐसा दिखता है पर उसे 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ऐसा दिखने लगा जो हम आज के वक्त में लिखते हैं। उसी तरह एक एक साइन को 90 डिग्री रोटेट करने के बाद अल्फाबेट्स के एंगल चेंज हो गए और ये अल्फाबेट्स और सिंबल्स का इस्तेमाल से वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे सुमेरियंस ग्रेन का सिंबल बनाते थे और उसके साथ सिकल का भी सिंबल होगा तो उसका मतलब होता है हार्वेस्टिंग। इसी तरह से अलग अलग सिंबल्स और अल्फाबेट्स का इस्तेमाल से वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ और चीजों को उनके नाम मिले जिन्हें आज हम जानते हैं। तो इस तरह से अल्फाबेट्स और राइटिंग का इन्वेंशन किया गया था जो हम आज के वक्त में रोज इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त में लिखने के लिए कोई साइंटिफिक राइटिंग मटेरियल नहीं था, ज्यादातर ड्यूरेबल चीजों का इस्तेमाल करते थे जैसे स्टोन और मेटल या फिर क्ले से बनी चीजें। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।